हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको भरवा बैगन बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। भरवा बैगन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने लिए हैं 5 मध्यम आकार के हरे बैगन, जिसे हम महाराष्ट्रियन बैगन भी कहते हैं। सबसे पहले बैगन को धोकर बीच में से दोनों ओर चीरा लगा लेंगे। अदरक लहसुन प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर लेंगे, साथ ही एक बड़े टमाटर का पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब अदरक लहसुन के पेस्ट में हम डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। चूंकि ये महाराष्ट्रियन बैगन रेसिपी है, इसलिए यहाँ मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च ली है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच गर्म मसाला पाउडर। नमक स्वाद अनुसार। अब हम इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट तक ढककर छोड़ देंगे, ताकि नमक मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। 10 मिनट के बाद ये पेस्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हम इस मसाले को बैगन में भर लेंगे। ये देखिए, धीरे धीरे मैंने सारे बैगन में मसाला भर लिया है। कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच मूंगफली ऑयल डालकर गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया है, अभी हम इसमें एक एक करके बैगन डालेंगे। जो मसाला बच गया था, उसे भी हम इसके ऊपर चारों तरफ डालेंगे और इसे ढक कर रख देंगे। गैस को स्लो रखेंगे, 5 मिनट बाद इसे चलाएंगे। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और ढककर फिर 5 मिनट तक पकाएंगे। इसे बीच बीच में ऐसे ही पलटते जाएंगे, जब तक कि बैगन गल ना जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, स्वादिष्ट भरवा बैगन बनकर तैयार है। अब आप इसे हरे धनिया की पत्ती के साथ सजाकर सर्व कर सकते हैं। अगर आप सब्जी को रसदार बनाना चाहते हैं, तो इसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार पानी डाल सकते हैं। ये देखिए, रसदार होने पर ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो देखा आपने, भरवा बैगन कितने कम समय में तैयार हो गए। भरवा बैगन ऐसे बनाएंगे तो स्वाद कभी भूल ना पाएंगे।